Hi, this is Abhijit Saman and you're watching MNS News. नमस्कार, मैं साक्षी, MNS News Live में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतरण दिवस मनाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतरण की लड़ाई में नागपुर का अतुलनीय योगदान रहा है। पूरे महाराष्ट्र में हुए आंदोलन में अनेक भीम सैनिक शहीद हुए थे। इसमें नागपुर के भीम सैनिकों की संख्या भी बड़ी थी। इस नामांतरण के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि से प्राचार्य जोगेंद्र कवाड़े के नेतृत्व में ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च निकाला गया था। औरंगाबाद स्थित मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर अम्बेडकर का नाम देने के प्रस्ताव को महाराष्ट्र के विधानमंडल के दोनों सदनों में 27 जुलाई 1978 को एक मत से मंजूरी मिली। इसके बाद अचानक अम्बेडकरी बौद्ध अनुयायियों पर हमले बढ़ गए थे। इसके खिलाफ 4 अगस्त 1978 को नागपुर में विशाल संयुक्त मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे पर लौटते समय इंदौरा में पुलिस ने गोलीबारी की थी। 2 दिनों में पुलिस की गोलीबारी में 5 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। शहीद भीम सैनिकों का अभिवादन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतर विजय दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को विविध राजनीतिक दलों, सामाजिक और कामगार संगठनों की ओर से इंदौरा के 10 नंबर पुल स्थित नामांतर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।